देखिए, जो आप लोगों को वैट को लेकर के कंफ्यूजन हो रहा है, तो भारत में तो वैट लगता नहीं है। भारत में क्या लगता है? भारत में जीएसटी लगता है ना। तो अगर आप इस कंपनी को बदल देंगे, जैसे मान लीजिए इस कंपनी की डिटेल को मैं बदलने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं ये राम कंप्यूटर क्लास है, और यहाँ पर कंपनी को अल्टर कर देता हूँ। ये अल्टर किया हमने, यहाँ पे आए, ठीक है। अब ये साकेत नगर देवरिया एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये साकेत नगर देवरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट की बात करें तो यहाँ पे स्टेट जो है चेंज है इसका, ठीक है। देखिए स्टेट अलग है, तो यहाँ पर अगर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कंट्री चेंज कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे कंट्री इंडिया कर दूंगा, आई प्रेस किया मैंने, कंट्री इंडिया हो जाएगी, ठीक है। ये इंडिया हो गई कंट्री, इंडिया प्रेस किया मैंने, और यहाँ पर देखिए अब ये जो है यूपी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो इसकी पूरी डिटेल मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, 2018 अप्रैल, ठीक है। जीएसटी कब अप्लाई हुआ था? 2017 जुलाई में अप्लाई हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ, इंडिया में जीएसटी लगता है, फिर मैं कह रहा हूँ इंडिया में जीएसटी लगता है, वैट नहीं लगता है। तो अगर कैश से संबंधित एंट्रीज करेंगे भाई, जबरदस्ती वाली एंट्री तो पास हो ही जाएगी। देखिए मैं पास करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया मैंने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर जब कैश की एंट्री पास करेंगे तो नहीं पास हो पाएगा कैश का एंट्री। पहले मैं क्रेडिटर पार्टी का एंट्री बता देता हूँ, यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी बनाता हूँ लोकेश, ठीक है। ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर एंटर प्रेस किया, यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर वैट की डिटेल को अल्टर कर लेंगे, यहाँ से इस तरीके से यहाँ रेगुलर रखेंगे और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कराता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, फिर कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर 1/4/2018 से ही वैट अप्लाई हो रहा है, ये बता दे रहा हूँ। ये जबरदस्ती वाली एंट्री है, ठीक है। तो एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कोई एक स्टॉक आइटम ले लेंगे, लाइक बुक ले लेते हैं, तो बुक यहाँ पर जब लेंगे तो 8 पीस बुक ले लेते हैं, 700 रुपये की बुक है, 5600 की बुक हो गई। अब यहाँ पर आता हूँ तो वैट, वैट का एक लेजर बनता है, मैंने पहले से बना रखा है, आप चाहे तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए। यहाँ पर वैट एट द रेट जो भी परसेंटेज हो वो आप दे दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, ये जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, तो यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आप चूज़ कर लीजिए। ये वैट है, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर आ जाइए, नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो जब एक्सेप्ट कराएंगे तो देखिए ये वैट की एंट्री तो आपने पास कर ली, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, प्रिंट भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी कि इंडिया में तो वैट लगता नहीं है, तो यहाँ पर जब आप कैश में एंट्री पास करने जाएंगे तो ये तो जबरदस्ती वाली एंट्री आपने पास कर ली। जब कैश में एंट्री पास करेंगे, जैसे डेट चेंज कर देता हूँ, 2/4/2018 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 2/4/2018 कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब ये कैश वाली एंट्री देखिए, कैश वाली एंट्री में वैट कैलकुलेट नहीं होगा, उसी लेजर पर वैट नहीं कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे इंडोर्समेंट डेट 1/4/2018 ही रखता हूँ, जैसे उसमें रखा था पहले वाली एंट्री में, ठीक है। यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया, अब वही चीज़ ले लेता हूँ, लाइक बुक थी तो बुक ही ले लेता हूँ, तो 8 बुक परचेज कर लेते हैं फिर से। अब यहाँ पर आता हूँ, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं वैट लगाता हूँ, देखिए ये पहले से बना हुआ था और ये मैंने अब बनाया है, तो जैसे ही वैट पे जाएंगे तो यहाँ वैट कैलकुलेट नहीं होगा, जबरदस्ती वाली एंट्री आप पास करा देंगे किसी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं फंसना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में वैट नहीं लगता है भाई। अब यही चीज़ यहाँ से बदल देता हूँ, देखिए कंपनी को फिर अल्टर करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ, कंपनी को अल्टर करके दिखाता हूँ। ये अल्टर किया कंपनी को, ये हो गया, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे इंडिया के जगह हमें क्या करना है, यूएई कर देना, यूएई में वैट लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि यूएई में जीएसटी नहीं अप्लाइड है, वहाँ पर वैट लगता है। तो ये हो गया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, ये सारी डिटेल फिल कर लेंगे और यहाँ पर देखिए इसके स्टेट का नाम भी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कुछ स्टेट का नाम चेंज कर देते हैं, लाइक यहाँ पर दुबई कर देते हैं, ठीक है। तो ये दुबई कर दिया हमने और बाकी की डिटेल ऐसे ही रहने देंगे और कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर वैट लगाने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो अब देखिए 2 ही तारीख के डेट में कैश में एंट्री पास करा रहा हूँ, देखिए कैश में एंट्री हो रही है ये, ठीक है। और यहाँ पर हमें रेगुलर रखना है, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर आते हैं, फिर वही चीज़ बुक ही ले लेते हैं, तो ये बुक ले लिया हमने, तो मान लीजिए 8 बुक ले लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब की बारी कैश लिया है मैंने, लेकिन यहाँ पर अगर मैं वैट का लेजर लगाता हूँ, कोई भी लगा लेते हैं, पहले वाला लगा लीजिए, बाद वाला लगा लीजिए, जो दोनों बनाया मैंने, दोनों में से कोई भी आप लगा लीजिए, ये भी लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर वैट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैश ही लिया हुआ है, लेकिन ये जबरदस्ती वाली एंट्री नहीं है। इस कंट्री में वैट लगता है तो मैंने वैट का एंट्री पास किया है, इंडिया में वैट नहीं लगता है, इंडिया में जीएसटी लगता है। आ रही है बात समझ में? कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, अब क्लियर हो गया होगा वैट पूरी तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।